हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की यह क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस क्लास से जो है कि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में फंसने वाला है। तो इस क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला प्रश्न है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा देश है जो कि विभिन्न दालें उगाता है। देखिए, चीन होता है, ब्राज़ील या भारत में या मेक्सिको में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अपना देश भारत जो है कि विभिन्न दालें उगाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भारत जो है कि विभिन्न दालें उगाता है। तो इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। जी हाँ फ्रेंड्स, धान की खेती के लिए कौन सी जलवायु ठीक है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में या गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में, धान की खेती के लिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, बिहार में। ऑप्शन नंबर डी अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है कहाँ पर, तो बिहार राज्य में ठीक जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, गन्ना किस राज्य में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। भारत में बिहार और यूपी में होता है, यूपी और राजस्थान में होता है, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में होता है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में होता है। तो किस राज्य में जो है कि गन्ना सबसे अधिक पैदा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल सही, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर कर रहे हैं ए तो बिल्कुल सही, ए बिहार एवं यूपी में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 या ब्रिटिश संसाधन, ब्रिटिश संविधान या अमेरिका का संविधान या नेक्स्ट भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कहता है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग ये ऑप्शन नंबर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, क्या जगह, भारतीय शासन अधिनियम 1935 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है। जी हाँ फ्रेंड्स, किस भाषा का ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, संस्कृत भाषा का है, तमिल भाषा का है, तेलुगु भाषा का है, कन्नड़ भाषा का। तो कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है, या ग्रंथ है या और किस भाषा का ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल सही, क्या जाएगा, तेलुगु भाषा का यह ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तेलुगु भाषा का यह ग्रंथ है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं, कौन पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, पंजाब नहीं है, आज़ाद कश्मीर, सिंधु या बलूचिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। तो कौन नहीं है, आज़ाद कश्मीर नहीं है, क्या आज़ाद कश्मीर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा, आज़ाद कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का था, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या चाहिए, वीवीआई कर लीजिए। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी, चंद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, जीनत महल या रजिया बेगम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कीजिए, अगर आप लोग कर रहे हैं रजिया बेगम तो बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर डी, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी, तो रजिया बेगम थी, कौन थी, रजिया बेगम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है, लोकसभा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम कहा जा रहा है, तो कम से कम जो है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कितने होनी चाहिए, 25 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, तो चलिए कर दिए, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या देगा, तो आप सभी को भी पता होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है, तो 5 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहता भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है, इसको भी वीवीआई कर लीजिए, इसमें स्टार लगा लीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत सेना के सर्वोच्च सेना नायक है, तो बिल्कुल सही इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए, भारत सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था लालंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। लालंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है, गुजरात में स्थित है, बिहार में स्थित है या असम में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल सही। अगर आप लोग भी ऑप्शन नंबर कर रहे हैं डी असम, तो बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए, असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर स्थित है। जी हाँ फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर कहाँ स्थित है, श्रवण बेलगोला में स्थित है, राजगीर में स्थित है, नालंदा में स्थित है या बोधगया में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर जो है कि स्थित है श्रवण बेलगोला में, कहाँ, श्रवण बेलगोला में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए को चलिए लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कथा सरित सागर में उल्लेख है कि कथासरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था, वह विक्रमादित्य कौन था। तो जो हुनों को परास्त किया था, तो वह विक्रमादित्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या कुमारगुप्त विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का स्कंदगुप्त विक्रमादित्य क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए, तो चलिए लॉक कर दिया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है। जी हाँ फ्रेंड्स, किस लिपि में उत्कीर्ण है, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, यूनानी लिपि में या अरमाइक लिपि में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है शाहबाजगढ़ी का अशोक सप्तम शिलालेख किस लिपि में है। जी हाँ फ्रेंड्स, सप्तम शिलालेख किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में, यूनानी लिपि में या अरमाइक लिपि में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, खरोष्टी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, तो लॉक कर दिया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, तो बिल्कुल सही क्या जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन भागीदार हैं, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट पर। तो उसके बाद देखिए प्रतिहार, पाल एवं पुष्यभूति, प्रतिहार, पाल एवं चोल, प्रतिहार, चोल एवं पाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट क्या हो जाएगा, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, तो बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हरित क्रांति की सफलता तो किस पर, किसकी उपलब्धता पर निर्भर है। देखिए बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर या पर्याप्त सिंचाई सुविधा या रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल सही फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किस पर जो है कि हरित क्रांति का सफलता, तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ जा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कहता निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, व्यक्तिगत आय कर या निर्गमित कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सरकार को लाभ होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, तो अगर आप लोग कर रहे हैं तो उत्पाद शुल्क, तो बिल्कुल सही क्या जाएगा, उत्पाद शुल्क ऑप्शन नंबर ए क्या, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कहा था निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है, तो देखिए आयकर नहीं है, भूमि राजस्व नहीं है, सीमा शुल्क नहीं है, उत्पादक शुल्क उत्पाद शुल्क नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही क्या है, भूमि राजस्व नहीं है। क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि राजस्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। जी हाँ फ्रेंड्स, निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन से है, चमड़े का सामान है, कपड़े हैं, चाय है या चावल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कपड़ा। क्या हो जाएगा, कपड़ा। तो बिल्कुल सही, कपड़े जो है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की। जी हाँ फ्रेंड्स, धन लगाने में मदद की किसके द्वारा, तो देखिए नाबार्ड के द्वारा, एक्सिम बैंक के द्वारा, IBDI बैंक के द्वारा, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका जो है कि एक्सिम बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, एक्सिम बैंक के द्वारा, जो है कि भारत रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने की मदद की एक्सिम बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसको लॉक कर दिया जाए। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ा जाए नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अनुशीलन समिति थी। जी हाँ फ्रेंड्स, अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विवाह उसके बाद विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, तो एक क्रांतिकारी संगठन, ऑप्शन नंबर जो है कि आपका हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, पैरामेडिकल में, तो इसको VVI कर लिया जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है कि 22 का, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कहता भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का कर्नाटक। क्या जगह, कर्नाटक सही जगह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्रश्न रिपीट हुआ है बिहार पैरामेडिकल में, इसको VVI कर लीजिए, इस क्वेश्चन का देख लीजिए, महाविभाजन वर्ष कहलाता है। देखिए 1951 ईस्वी, 1991 ईस्वी या 2001 या 1921, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो फ्रेंड्स, महाविभाजन का वर्ष कौन सा कहलाता है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपका हो जाएगा डी, 1921 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1921 ईस्वी, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन नहीं है, देखिए करारोपण नहीं है, या सार्वजनिक व्यय नहीं है, ब्याज दर नहीं, या सार्वजनिक ऋण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, कौन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, तो अगर ऑप्शन नंबर आप लोग कर रहे हैं सी, तो ब्याज दर नहीं, तो बिल्कुल सही, क्या आ जाएगा, ब्याज दर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन का था आर्थिक नियोजन विषय है। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्थिक नियोजन विषय है, तो देखिए संघ सूची में आते हैं, आर्थिक नियोजन किसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि किस सूची के अंतर्गत, संघ सूची में आते हैं, या राज्य सूची में आते हैं, या समवर्ती सूची में आते हैं, किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल सही, किस सूची के अंतर्गत है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही। चलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए, उसके साथ बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, सीमांत रेखा कहा जाता है, ऑर्डर निश रेखा कहा जाता है, मेस डिक्सन रेखा कहा जाता है, या रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रेड क्लिप रेखा। क्या जाएगा, बिल्कुल सही, क्या जाएगा, रेड क्लिप रेखा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? जी हाँ फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में दिया था, सारनाथ में दिया था, पाटलिपुत्र में दिया था, या वैशाली में दिया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, सारनाथ। तो बिल्कुल सही जगह कहाँ में दिया था? तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, तो बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन का था, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जी हाँ प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, या गिरिव्रज था, या चंपा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो देखिए मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो क्या जगह बिल्कुल सही गिरिव्रज हो जाएगा। क्या जगह? गिरिव्रज, जो कि राजगीर में, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? जी हाँ प्रश्न, किसको दी गए हैं? देखिए भारत के सभी न्यायालयों को, उसके बाद संसद को दी गए, राष्ट्रपति को दी गए, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का सही आंसर कहा था, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गए? तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपका क्या, जो ऑप्शन नंबर डी, क्या जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया। तो चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। तो चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल सही, अगर आप लोग भी कर रहे हैं संसद, तो बिल्कुल सही, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर, पास में जो बेल आइकन के घंटी है उसे भी ऑन कर दें। तो आज के इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।